विभु विभु विभु। अरे ये तो सपनों में जुगाली कर रहे हैं। जरूर कैंडल लाइट डिनर का सपना देख रहे होंगे। मैं इन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही होंगी। सो रोमांटिक। विभु विभु डार्लिंग उठो ना, सब सपनों में ही खा लोगे क्या? उठो ना विभु। मम्मी इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने जल्दी उठा दिया। मुझे पता है तुम सपने में क्या देख रहे थे। कि क्या क्या देख रहा था? यही कि कैंडल लाइट डिनर है और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही देख रहा था, बिल्कुल यही देख रहा था। अच्छा अब उठो, बहुत हो गया, जाकर दूध लेके आओ। मैं दूध लेके आऊं? मैं? हाँ। ये बहादुर का मर गया? अरे बहादुर आज अपनी बहन की सगाई में चला गया। डार्लिंग मैं दूध लेके आऊं? मैं? अच्छा तो ठीक है फिर, मैं दूध ले आती हूँ और तुम जाकर किचन में बर्तन धो दो। दूध लेके आता हूँ। कितने लकी हैं गिरधर गोपाल। हाय दैया। दैया नहीं, मैया। सरस्वती मैया स्वयं बैठी हैं आपके गले में वीणा लेके। आर यू श्योर? जी हमारे कहने का मतलब है कि हम सच में अच्छे गाते हैं। यू मीन श्योर? ऑफ कोर्स 100% श्योर, आप कमाल गाती हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपके सुर मेरे कानों में पड़े और यहाँ आके मालूम पड़ा कि वो सुर इन पहाड़ों में से आ रहे हैं। हाँ? एक का पहाड़ दिख रहा है तुमको? अपना पहाड़ तो नहीं है, पहाड़ तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आप कभी पहाड़ों में गई हैं? पहाड़ों में गई हैं? आप पहाड़ों में जाइए और वहां गाइए, आपकी आवाज गूंजेगी भी और निखार भी आएगा। आप रोज आती हैं? हाँ ठीक 7 बजे। फिर तो हम भी रोज दूध लेने आएंगे। वैसे कहा हम आपसे एक बात कहें? जी आपने हमारी जितनी तारीफ की है ना उतनी तारीफ कोनू नहीं की है। या। हम तो कहना चाहते हैं कि हमारी वाइस लाइक करने वाले आप पहली पर्सनल आंटी है। आंटी? हाँ पर्सनल आंटी। ओह आई गॉट इट, यू मीन पर्सनालिटी राइट? सही पकड़े हैं। Very funny. अबे आपका अखबार आ गया। एक गरम चाय की प्याली हो। और हमारा अलार्म भी आ गया, वो कहा है ना इनके चाय नाश्ते का टाइम हो गया, हमको इनको गरम गरम नाश्ता खिलाना है, हम चलते हैं। काश हमारी भी कोई ऐसी सेवा करे। अंकल जो चाहिए वो मिल नहीं सकता। ओ अंकल जी उधर क्या बात कर रहे हो? ए, तुम कौन हो? हम लड्डू है। लड्डू हो तो मिठाई की दुकान पे जाओ ना बेटा। लड्डू? अरे हमार लड्डुआ, हमार बच्चा। नाश्ता पानी नहीं करोगे का? सवेरे सवेरे कोनो साइकिल चलाता है क्या हमारा बच्चा? इन्होंने बताया नहीं कि इनका एक बच्चा है? वो हमारी भाभी माँ है। हाय दया, हम तो वो कहा है ना हम आपसे हमारे लड्डू का इंट्रोडक्शन करना तो भूल ही गए। यू मीन इंट्रोडक्शन राइट? हाँ सही पकड़े हैं। ये हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरा लाडला गुड्डा, हमरा देवर लड्डू हैं। कितनी भावता है आपके अंदर? भावता?
जैसे कि माँ की ममता होती है वैसे भाभी की भावता होती है। लड्डू ई भैया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम कह रहे थे कि लड्डू के भैया जैसे हैं। फिट है। मैं तो डर ही गया था। किस बात से डर गए थे आप? आवाज आई क्या? मन में इतना लाड बात करोगे तो आएगी ना। हमारे लड्डू में ना एक कला है, वो आदमी के मन की बात पढ़ लेते हैं। ये लौंडा तो खतरनाक लगता है, इससे जरा बच के रहना पड़ेगा। सही सोच रहे हैं आप। कहाँ सोच रहे हैं? ये दूध लाना है, वो सोच रहे थे। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, नाश्ता करो। तभी माँ तुम्हारी है। शाबाश शाबाश शाबाश। हम बंद कर देते। ये देखिए, ये 6 का 9। अबे कहाँ अखबार वाला तेरी? ए किधर है? सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय तैया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अंगूरी। थैंक यू। तनिक हमारे पास भी बैठो। हाय तैया, हटो, हमको अम्मा जी को फोन करना है, जा रहे हैं। ये और इनकी अम्मा जी, कभी कभी तो हमें डाउट होता है कि इनकी अम्मा जी हैं या हमारी अम्मा जी हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कह रहे हैं। जुग जुग जियो परी बच्ची, कैसन बा है? ठीक बा। आपके बेटे को चाय दिए हैं और लड्डू को नाश्ता। अच्छा सुनो दुलाइन, रात हमरे ददिया ससुर सपने में आए रहे। हाँ, क्या कह रहे थे ददिया ससुर? बोले कि हम जल्दी आ रहे हैं। कब आ रहे ददिया ससुर? अभी तो तुमको पता होगा ना है। वो तो हमको बस इतना बोले कि हम अपने पोते की बहू अंगूरी की गोद में खेलेंगे। हाँ हाय दिया, ददिया ससुर हमरी गोद में खेलेंगे? अंगूरी अंगूरी। अम्मा जी, अम्मा जी हम बाद में फोन करते हैं, ये बुला रहे हैं। ओहो, वो तो 10 साल से खाली बुलाइए रहा है और हम यहाँ पोते का इंतजार कर रहे हैं। अंगूरी का है बाथिया लिए? अरे कहाँ बाथिया लिए, मतलब कहाँ नहा लिए, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। हाय दैया, हम तो फगौटिया गया। कल मुंशी पाल्टी के ऑफिस से एक मैन आए रहे। उसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। कभी हिंदी में भी बोल लिया करो। वो कह रहे थे कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, पाइप फट गया है। हैं? हाँ। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आने वाला है? हाँ सिर्फ हमारे यहाँ पे। अरे तो फिर हम नहाएंगे कैसे? वो पंडित जी के यहाँ पे जाके नहा लीजिए ना, पड़ोसी कब काम आएंगे। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, ये सही रहेगा। क्यों ना भाभी जी के यहाँ जाके नहाया जाए, ये सही रहेगा। लेकिन भाभी वहाँ तो बोले थे कि पंडित जी के आ जाइए। अरे नए पड़ोसियों को भी तो आजमाना चाहिए, देखे तो सही आखिर उनमें कितनी पड़ोसता है। पड़ोसियों का तो पता नहीं भैया, लेकिन आपके आंखों से साफ साफ पड़ोसता टपक रही है। चल जाके पढ़ाई करो। भाभी जी। हाँ सासू माँ, बादाम शहद सब खिला दूंगी आपके बेटे को। अरे बादाम ठीक है, वो सब छोड़, साड़ी में रख, उसे स्वेटर पहना दे और मफलर बांध दे कस के। हाँ टोपा पहना, सर्दी लग जाएगी मेरे बच्चे को, अंदर से एकदम खोखला है वो। स्वेटर और मफलर? सासू माँ 35 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, सर्दी कैसे लगेगी। अरे जो कह रही हूँ वो कर दे।
अच्छा अच्छा सुनिए ना, सास की बात भी मान लेनी चाहिए कभी कभी। सुनिए तो, दरवाजे पे कोई है, मैं आपसे करती हूँ बात। ओके। ये सब इसकी बहानेबाजी है मेरे लल्ला को मफलर और टोपा ना पहनाने की। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ओ यहाँ है तिवारी जी। आप भाभी जी, हम आपसे दिल से माफी चाहेंगे जो हम आपके समय डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बोलिए ना प्लीज। वो क्या है कि घर में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है नहाने की। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ नहा लीजिए। आप लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की, हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। एक काम कीजिए ना, इस बाथरूम में नहा लीजिए। वहाँ इंग्लिश टॉयलेट है क्या? हाँ सॉरी, इंग्लिश टॉयलेट तो नहीं है। ओहो, दरअसल हमें इंग्लिश टॉयलेट की ही आदत है, देसी में लगता है जैसे खुले खेत में बैठे हैं। शायद आपके वो वाले बेडरूम के बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट है। हाँ, आपको कैसे पता? पुराने पड़ोसी भी आप ही की तरह बहुत अच्छे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है तिवारी जी, आप उधर नहा सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए। भाभी जी, आप कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, कितना बड़ा दिल है आपका। भभूति जी कितने लकी हैं जो उन्हें आप जैसी इतनी नीट, इतनी कंप्लीट लेडी मिली है। तिवारी जी, आप भी आते हैं। अरे बाप रे बाप, अनीता दूध आ गया है। अरे तिवारी जी, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया होता आपने। सॉरी, वो क्या है कि हमको अपने घर में कड़ी लगाने की आदत नहीं है, इसीलिए भूल गए। तिवारी जी क्या कर रहे हैं हमारे बाथरूम में? विभू, बाथरूम में इंसान क्या करता है, नहा रहे हैं। एक्चुअली उनके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गए। तो बोले यहाँ भेज देती गेस्ट बाथरूम में। अरे उनको भी इंग्लिश टॉयलेट यूज करना था। ये मुंह और मसूर की दाल उकड़ू बैठे वेस्टर्न कमोट में, देसी स्टाइल में। रियली? अच्छा चलो, अब चले गए हैं तो आ जाएंगे, पेशेंस रखो ना। व्हाट पेशेंस टॉकिंग अबाउट, आई एम लूजिंग पेशेंस यार। सुबह सो तो मालूम है, I have a problem in the morning. Veku, patience. Patience. Tiwari ji. Ji, arz kijiye. अरे यहाँ कोई मुशायरा चल रहा है क्या? अर्ज कीजिए। देखिए प्रेशर है। हाँ प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। हम आदमियों पर तो प्रेशर ही प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर, गरीबी का प्रेशर, करप्शन का प्रेशर। मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, बस अब मेरे सब्र का पैमाना छलकने ही वाला है। अरे तो आप दूसरे वाले बाथरूम में जाकर छलका लीजिए। विभू, तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया? ओ भाभी जी, उसने मुझसे पता है क्या कहा? क्या? कि उसे 2 दिन और लगेंगे क्लासेस को तैयार करने में। सच एन इडियट, अब मुझे 2 दिन घर पे बैठना पड़ेगा। अरे वाह, इसका मतलब भाभी जी 2 दिन और घर में रहेंगी, क्या बात है। मैं ना उसके पैसे काट लूं। काट लो, काट लो। बोल दूं जाकर उससे? हाँ बिल्कुल काट लो, काट लो। अरे तिवारी जी निकलिए वरना भारी खेल हो जाएगा। तिवारी जी और कितना टाइम लगेगा? अरे बस 2 मिनट। अंदर आप नूडल बना रहे हैं क्या? 2 मिनट। अबे क्या हो गया बे? अरे मर गया, मर गया यार, मर गया। विभू, अरे कहाँ गया विभू? तिवारी जी टांग उठाइए, तोड़ उठाइए ना। हाँ मेरे कंधे पर रख दीजिए। अरे टांग नहीं भाई, हाथ रखिए ना कंधे पे। बहुत दर्द हो रहा है। झुक जाइए, अच्छा लगेगा। ये लीजिए। कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा था अच्छा लगेगा। गुदगुदी कर रहे थे क्या? गुदगुदी हो रही। गॉड, नो दैट्स नॉट ट्रू, रियली, एग्जैक्टली, इसीलिए तो विभू मुझसे प्यार नहीं करता।
चलिए सीधा मुंह कीजिए अपना, आइए चलिए। अरे क्या हुआ भाभी जी को? आप अपने देखिए भाभी जी। अनीता जी लगाइए, उधर मुख कीजिए। अनीता बेबी आई ओके? अनीता अनीता आई ओके? ओके बेबी यू डिस्गस्टिंग, दिस इज ओवर, यू अंडरस्टैंड दैट? तुम खरा समझ रही हो, ये बाथरूम में गिर गए थे। आई लव यू बेबी, आई लव यू वेरी मच। रियली? तिवारी जी क्या हुआ आपको, ठीक है आप? वो कुछ हड्डी के टूटने की आवाज सी तो आई थी। ओह माय गॉड, तो फिर उधर मुंह कीजिए आप, वैसे गलतफहमियां हो रही हैं। डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को। ऑफ कोर्स वी शुड कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर का नंबर बताइए। कॉल द डॉक्टर। घबराइए नहीं, दरअसल क्या है कि हमारी तो आंखों में एक्सरा मशीन लगी, और वैसे भी हम तो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। डॉक्टर साहब आप गलत लिफाफा देख रहे हैं, लिफाफा यहाँ पड़ा है, इसका मजमू भाप ही है। अरे इतना चीख क्यों रहे हो, टांग तो बिल्कुल ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब आप गलत जगह चेक कर रहे हैं, दरअसल चोट कहीं और है। अच्छा कहाँ लगी है? भभूति जी, भाभी जी तनिक बाहर जाएंगे? ऑफ कोर्स आप बताइए चोट कहाँ लगी है? चोट तो दिल में लगी है डॉक्टर साहब। लेकिन ये वो वाली चोट नहीं है, यहाँ ये कि ऐसा है कि हमें कोई चोट वोट नहीं लगी है, लेकिन बाहर जाके लोगों को बताओ कि हमें रीढ़ की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है और हम 2 दिन तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, ठीक है? अच्छा जब चोट लगी नहीं है तो मैं बाहर जाकर झूठ क्यों बोलूं? अबे अनार खाओ ना, दाने गिनने का है बैठ गए। अच्छा जैसे अनार मुफ्त में आता है ना। कितनी फीस है तुम्हारी? 1000 रुपए। मैं हकीम लुकमान के यहाँ से डिग्री लेकर आए हो क्या? फीस तो मेरी 50 रुपए है, लेकिन ये जो झूठ बोलने के लिए कह रहे हो ना, 950 रुपए उसके इंक्लूड होगा। ओ चलो ठीक है दे देंगे। 2 दिन तक भाभी जी का सानिध्य मिलेगा, उस मुकाबले में तो ये रकम बहुत ही छोटी है। अच्छा कम है तो 2000 रुपए दे दो। क्या बे? करण मारती? हाय दया, हम कहाँ करण मारते हैं? आप नहीं, आपकी ये बैल करण मारती है, इसे आप ठीक क्यों नहीं करा लेती? वो कहा है ना भभूति जी, एक बैल है, रोज आकर हमारी बैल को सिंग मार मार कर तोड़ देता है, इसलिए हम ही ने इसमें करण डाला है। हाँ वो बैल से याद आया, आपके भाई नहीं भाई नहीं पति हमारे बाथरूम में गिर गए। हाय दया, हमारे लड्डू की भैया। भाभी जी सुनिए। हाय दया, हमारे लड्डू की भैया। कहाँ हो गया आपको? हाँ दया ही कहाँ हो गया आपको, कहाँ लग गया, कहाँ झूठ लगी, कहाँ गिर गया? अंगूरी जी प्लीज डोंट वरी, सिर्फ बाथरूम में फिसल गए हैं, छोटी मोटी चोट लगी है, डॉक्टर साहब है ना, Everything will be okay. डॉक्टर साहब बताइए ना कहाँ हो गया इनको, कहाँ चोट लगी, कहाँ दर्द हो रहा? दरअसल इन्हें बहुत गंभीर चोट आई है, इनकी रीढ़ की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। हाय दया, हे राम, लड्डू के भैया ये क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर ठीक हो जाएंगे। अरे एक मिनट, अरे काम की बात तो करने दो। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि हम 2 दिन तक यहाँ से हिल भी नहीं पाएंगे? 1 इंच भी नहीं हिल सकते। मतलब 2 दिन तक हम इसी बेड पर रहेंगे?
अरे इसी बेड पे रहना पड़ेगा। मतलब दो दिन तक हमें हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा? जी हाँ।